तो दोस्तों, आप लोगों में से कई सारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से हमेशा ये पूछा है कि हम किसी के फ़ोन में से उसके द्वारा हाइड किए गए ऐप्स, फाइल्स, वीडियोस, फोटोज़ उसको कैसे देख सकते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें हाइड किए गए ऐप्स को विजिबल करने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि हाइड ऐप्स को हम स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैं आपको। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई बड़ा भाई है या फिर आपका छोटा भाई है या फिर आपकी मॉम है, डैड है या फिर कोई भी हो आपकी फैमिली मेम्बर है, वो आपसे कोई भी पर्सनल चीज़ छुपा रहा हो या फिर इलीगल वीडियो हो या फिर फ़ोटो हो या फिर किसी भी चीज़ का कुछ भी हो जो आपसे वो छुपा रहा हो, तो उससे पहले ये स्टेप कर लीजिए जो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग खोल लीजिए और मोबाइल की सेटिंग में जाइए। और मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे या ऊपर स्क्रॉल करके देखिए, आपको ज़रूर एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऐप्स के ऑप्शन पर जब क्लिक कर देंगे, जैसे आप ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और आएगा। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, आपके इंस्टॉल किए गए ऐप और आपके फ़ोन के ऐप, दोनों ऐप्स वहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन आपको वो ऐप सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा उस फ़ोन को, आप फ़ोन के ऐप्स, फाइल्स या फिर वीडियोस, फ़ोटोज़ को हाइड किया जा रहा है। तो वो ऐप कौन सा होगा? ऐप लॉक, ऐप लॉक प्रो, ऐसे ही कुछ ऐप होते हैं जिसके नाम आपको याद होंगे जब आप इतना जान ही रहे हैं वीडियो में। तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम ऐप लॉक प्रो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एक और न्यू पेज पर। न्यू पेज पर जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अनइंस्टॉल और फोर्स स्टॉप का। अनइंस्टॉल का ऑप्शन आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपके वो हाइट शो करे या फिर ना करे। लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल ना करके फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फोर्स स्टॉप के जरिए वो एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी आपके हार्डवेयर सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू, जिससे जो भी उसने डेटा बचा के रखा हुआ है अपने सर्वर पर वो आपके फ़ोन में दिखा देगा। सर्वर तो अपना ही होता है, बस वो हाइड करके रखता है, बस इतना चीज़ें काम करता है। ऐप जो कि एप्लीकेशन आपको मिलती हैं बहुत सारी प्ले स्टोर पर, कई तरह तरह की, जो कि आपके ऐप्स को हाइड कर देगी। जैसे ही आप फोर्स स्टॉप पर क्लिक करेंगे वो ओके का ऑप्शन मांगेगा, फिर आप उसे ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, जिसके थ्रू वो आपकी एप्लीकेशन को हाइड कर रहा था या फिर फोटोज़ को हाइड कर रहा था। जिससे बहुत आसान है, किसी भी फ़ोन का हाइड किए गए ऐप्स, म्यूज़िक, वीडियोस वगैरह सब निकालना बहुत आसान है। तो मैंने बता दिया है आपको कैसे विजिबल किया जाता है। और ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कितने लोगों को आता था ये पहले से करना या फिर अभी आया है, तो ये भी बताना जरूर कमेंट्स में। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दो चार दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और लगातार अब आ भी रही है, और एक ब्लॉग भी आएगा, नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं दूसरा ब्लॉगिंग के लिए, तो ब्लॉग भी आने वाला है एक दो दिन बाद, बनास का, कॉलेज का। तो आज के लिए इतना ही, बताना जरूर कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही एक टेक से रिलेटेड वीडियोज़ देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।